दोस्तों, मेरा नाम श्रेयस भाटिया है और आप देख रहे हो भाटिया ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग किसी भी कलर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। Having said that, आपको अगर ग्रीन स्क्रीन रहेगी तो ज्यादा बेनिफिट होगा और ये बहुत सस्ती आती है, 500 रुपए में होती है। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखी है तो आप वो परचेस कर सकते हो। मैं भी वो 500 वाली ही यूज करता हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं किस तरीके से आप एंड्रॉइड फोन्स में आपके बैकग्राउंड को आराम से रिमूव कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं किसी भी कलर का। अब इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं काइन मास्टर, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी नहीं है, मगर इसका एक फ्री वर्जन है जिसमें आपको एक वाटरमार्क मिलेगा। अगर आप चाहते ही हो कि आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए और फ्री में हो, तो मोबाइल में दूसरा कोई भी ऐप नहीं है जो फ्री में आपको करने देगा। आपको काइन मास्टर जैसे वाटरमार्क एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो एडिटिंग के लिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आपको फिल्मोरा गो ये ऐप काम आएगा और उसमें कोई भी वाटरमार्क आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग किस तरीके से काइन मास्टर में हम लोग बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं किसी भी कलर का, और यहाँ पर हम स्पेसिफिकली ग्रीन स्क्रीन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये बीच में जो बटन दिया है उसको हम प्रेस करेंगे, यहाँ पर 16:9 सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए विंडो आ गई अपनी। अब सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है हमारा बैकग्राउंड जो हमें चाहिए। तो मैं कैमरा में जाता हूँ और कैमरा में से ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस फोटो का लेंथ मैं थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से बढ़ा देता हूँ और इसको कर देता हूँ ऊपर राइट साइड में। आप देख सकते हो राइट का बटन दिया हुआ है, मतलब ही ओके, क्योंकि मुझे इसमें कोई भी एडजस्टमेंट अभी नहीं करनी। तो मैं कर देता हूँ इसको ओके। अब जैसे ही मैं ओके कर दूँ, वापस से मैं आ जाता हूँ एकदम स्टार्ट में, और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है लेयर करके, तो लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। जैसे आप मीडिया पे क्लिक करोगे, अब हमें सेलेक्ट करना है वो वीडियो जो हमें एडिट करना है। अब देखिए ये ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अब देखिए मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, सो दैट हमारी मैडम जी पूरी कंप्लीट उस स्क्रीन पे आ जाए। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपका बैकग्राउंड आपने ग्रीन रखना ज़रूरी नहीं है, मगर ग्रीन रखने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। आप वाइट बैकग्राउंड पे भी ये सब कुछ कर सकते हो, या दूसरा कोई भी कलर अगर बैकग्राउंड में रहे तो कर सकते हो, बट कलर कॉन्स्टेंट चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म कलर चाहिए बैकग्राउंड में। तो अब यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रोमा की का, उस पर क्लिक कर देना है और उसको एनेबल करना है। एनेबल करते ही देखिए यहाँ पर की कलर में ग्रीन सेलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए आप वाइट यूज़ कर रहे हो या फिर दूसरा कोई भी पैलेट कलर यूज़ कर रहे हो, तो आप वो सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी परफेक्ट आया हुआ है, फिर भी अगर आप चाहो तो इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों बटन्स आपको दिए हुए हैं इसको एडजस्ट करने के लिए। तो देखिए अब भी और भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो बालों के आसपास जो स्टार्ट में हल्का सा वाइट सॉरी ग्रीन हो चुका था वो भी अभी यहाँ से रिमूव हो गया है। तो चलिए हम देखते हैं ये वीडियो लेंथ। अब यहाँ पर देखिए कि मेरा फ़ोटो का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ सो दैट वो थोड़ा सा मैच हो जाए। तो ठीक है, ये मैच हो गया। तो देखिए दोस्तों कितने आसानी से कुछ ही सेकंड्स में हमने बैकग्राउंड का ग्रीन कलर यहाँ पर रिमूव कर दिया है। आपको वापस से ये बताना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड का कलर कुछ भी आप रख सकते हो, शर्त इतनी ही है कि वो कलर यूनिफॉर्म हो सो दैट रिमूवल के टाइम अच्छे से रिमूव हो जाए। चलिए अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट करते वक्त यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें पूछेगा, वो यहाँ पर आप 4K क्वालिटी भी यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर जैसा ही आप नीचे नीचे जाते हो HD क्वालिटी भी आप प्रिंट कर सकते हो। फ्रेम रेट यहाँ पर हमने 30 ही रखना है, क्योंकि उससे कम रहेगा तो वीडियो स्लो चल रहा है ऐसा फील आता है। उसके बाद यहाँ पर क्वालिटी लो टू हाई आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं थोड़ी सी लो ही सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक्सपोर्ट पर प्रेस कर देना है। अब एक्सपोर्ट पे प्रेस करने के बाद ये बताता है कि आपको ये ख़रीदना पड़ेगा, फ्री में यूज़ करना है तो वाटरमार्क आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको मैं स्किप कर देता हूँ, और अब देखिए ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है और ये ऐड भी उन्होंने हमें दिखा दी है। अब देखिए ये जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ फाइल है, ये हम एक बार प्ले करके देखते हैं। चलिए इसको VLC में प्ले करके बताता हूँ मैं आपको।
देखिए तो कितने अच्छे से हुआ है, बट दिक्कत यह है यहाँ पर कि यह मेड विथ काइन मास्टर यहाँ पर ऊपर आपको हमेशा ही दिखेगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया और काफ़ी चीज़ें समझ में आई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, सो दैट आपको इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाया करेगी। थैंक यू।